हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका माइलो फैमिली चैनल में, जहां एक तरफ कंसेप्शन की खबर सुनते ही पूरी फैमिली खुशी से झूम जाती है, वहीं दूसरी तरफ अबॉर्शन का नाम सुनते ही सब घबरा जाते हैं। कुछ केसेस में तो डॉक्टर्स ही अबॉर्शन करने की सलाह देते हैं, लेकिन इनवॉलेंट्री अबॉर्शन और मिसकैरेज की खबर सुनते ही सबकी खुशियाँ एक पल में ही चली जाती हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन जो सबके मन में उठता है वो ये है कि मिसकैरेज या अबॉर्शन के बाद दोबारा कंसेप्शन के कितने चांसेस हैं। फ्रेंड्स, तो आइए इस वीडियो में आज हम इसी विषय पर डिटेल में बात करेंगे। वैसे अगर आप फैमिली प्लानिंग के बारे में सोच रही हैं या फिर प्रेगनेंसी के इस खूबसूरत सफर में कदम रख चुकी हैं या एक नन्ही सी जान को जन्म दे चुकी हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से माइलो ऐप डाउनलोड कर सकती हैं। माइलो ऐप पर आप फ्री में कई इंपॉर्टेंट टूल्स को एक्सेस कर सकते हैं और साथ ही एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है। हाउ सून आफ्टर एन अबॉर्शन कैन यू गेट प्रेग्नेंट? अबॉर्शन होने के बाद से ही आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रीस्टार्ट हो जाते हैं। ओव्यूलेशन साइकिल भी नॉर्मली 14th डे से वापस स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज की है और रेगुलर है, अबॉर्शन के कुछ ही हफ्तों बाद आप नेचुरली ओव्यूलेट कर पाएंगे। अगर आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं तो अबॉर्शन के तकरीबन 2 हफ्ते बाद ही आप कंसीव कर पाएंगे। इस प्रोसीजर के बाद एक कपल नेचुरली कंसीव कर लेते हैं अगर उनके बीच अनप्रोटेक्टेड सेक्स हो। वैसे हर किसी की मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर या फिर 28 डेज की नहीं होती, इसलिए कंसेप्शन के चांसेस ओव्यूलेशन साइकिल पर ही डिपेंड करते हैं। अबॉर्शन के बाद कंसेप्शन के सिम्टम्स ठीक उसी तरह होते हैं जैसे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी से पहले होते हैं, जैसे कि मिस्ड पीरियड्स, टेंडर ब्रेस्ट, फटीग, नौजिया, सेंसिटिविटी टू स्मेल एंड टेस्ट, वॉमिटिंग। अगर अबॉर्शन के 6 वीक्स बाद तक आपको पीरियड्स नहीं आए हैं तो एक बार होम प्रेगनेंसी टेस्ट जरूर कर लें। अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो एक बार अपने ओबी या गायनी से कंसल्ट जरूर कर लें, ताकि वो ब्लड टेस्ट करवा सके और ये सुनिश्चित कर सके कि प्रेग्नेंट है या फिर नहीं। कई बार पिछली अबॉर्टेड प्रेगनेंसी के बॉडी में लेफ्ट ओवर प्रेगनेंसी हॉर्मोन्स के कारण भी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है। डज एन अबॉर्शन अफेक्ट फर्टिलिटी? आमतौर पर अबॉर्शन का फ्यूचर प्रेगनेंसीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अगर आप प्रेगनेंसी की प्लानिंग कर रहे हैं और यूट्रस कंसेप्शन के लिए रेडी हैं तो इसमें चिंता करने की कोई भी बात नहीं है। मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है आजकल, अबॉर्शन करवाना एक सेफ प्रोसीजर है। लेकिन अगर ये प्रॉपर मेडिकल रेगुलेशंस और एक वेल एडुकेटेड गायनी से ना करवाया जाए तो फिर फ्यूचर फर्टिलिटी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर अबॉर्शन इलीगली या फिर इनएक्सपीरियंस डॉक्टर से करवाया गया है तो इन्फेक्शन और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जैसे कि ओवरीज, फिलोपियन ट्यूब्स और यूट्रस लाइनिंग के डैमेज होने के चांसेस काफी हाई हो जाते हैं। अबॉर्शन कराते वक्त सर्विक्स को डायलेट किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा बार बार होता है तो सर्विक्स वीक हो जाती है। मल्टीपल बी एंड सी प्रोसीजर्स से यूट्रस और सर्विक्स के टॉप पर स्कारिंग हो सकती है। हाउ लॉन्ग शुड यू वेट आफ्टर एन अबॉर्शन टू गेट प्रेग्नेंट? अबॉर्शन के बाद ज्यादातर डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं कि कपल्स 1 से 2 हफ्ते तक अनप्रोटेक्टेड सेक्स ना करें, क्योंकि ऐसा ना करने से इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। अगर आप दोबारा प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट कर लें। पहले डॉक्टर्स लगभग 3 महीनों तक कपल को सेक्स अवॉइड करने के लिए कहा करते थे, लेकिन आजकल ऐसा कुछ भी नहीं है। अबॉर्शन के बाद एक कंसेप्शन के लिए महिला का इमोशनली, फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत जरूरी है और इसके अलावा कुछ भी नहीं। अगर अबॉर्शन के बाद कुछ भी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो इसे हील होने का इंतजार करें। जब तक आप बेहतर फील ना करें तब तक किसी भी चीज का स्ट्रेस ना लें। ज्यादातर केसेस में कोई भी सीरियस कॉम्प्लिकेशन नहीं होते, फिर चाहे वो सर्जिकल हो या मेडिकल अबॉर्शन। कुछ केसेस में सर्जिकल अबॉर्शन के बाद कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि रिटेन टिश्यूज, इन्फेक्शंस, ब्लीडिंग, सर्विकल टीयर्स और लैकेरेशन, एलर्जिक रिएक्शन टू मेडिकेशन, यूट्रिन पेरफोरेशन। अगर आपने मेडिकल रीजंस के साथ अबॉर्शन करवाया है तो दोबारा कंसेप्शन के पहले अच्छे से टेस्ट और स्कैन जरूर करवा लें। अगर 1 से ज्यादा अबॉर्शन हो चुका है तो इन्फेक्शन का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कुछ केसेस में फलोपियन ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिनकी वजह से नेचुरल कंसेप्शन इम्पॉसिबल हो जाता है। टिप्स टू गेट प्रेग्नेंट आफ्टर एन अबॉर्शन। बेबी प्लान करने से पहले अपने गायनी से बात कर लें, उनसे कुछ भी ना छुपाएं। ओव्यूलेशन के दौरान फ्रीक्वेंटली अनप्रोटेक्टेड सेक्स करें। ओव्यूलेशन साइकिल जानने के लिए अपने स्मार्टफोन्स पर ओव्यूलेशन ट्रैकर ऐप डाउनलोड करें या फिर ओव्यूलेशन किट में इन्वेस्ट करें। हेल्दी लाइफस्टाइल चुनें।
अपने खान पान और एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दें। दिन भर में खूब पानी पिए। अल्कोहल, सिगरेट, हुक्का और इलिसिट ड्रग से दूरी बनाए रखें। कैफीन का इंटेक कम से कम करें। अपने पार्टनर के साथ एक एक्टिव इंटीमेट लाइफ मेंटेन करें, जिससे आप जल्दी प्रेग्नेंट हो सकते हैं। अगर आप अबॉर्शन के बाद कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो एक फर्टिलिटी एक्सपर्ट से IVF और IUI की जानकारी प्राप्त करें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में हमें अपने विचार जरूर बताएं। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। साथ ही माइलो फैमिली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन आते रहें।